इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा। रे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शादाब व्यू पे। दोस्तों मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एप्सन L4260 प्रिंटर के ऊपर थोड़ी सी जानकारी बातें आपको देने के लिए। दोस्तों वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मुझसे कमेंट करके पूछा जा रहा है कि शादाब भाई मुझे ये बताइए कि एप्सन L4260 में क्या उसमें डुप्लेक्स प्रिंटर हो सकता है, क्या उसमें मोटा पेपर जा सकता है, उसमें ग्लोसी पेपर जा सकता है। बहुत ज्यादा उससे पूछे जा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर मैंने 3-4 वीडियो बना दिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रिंटर में इसमें ये फैसिलिटी है या नहीं है, इसमें ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें डुप्लेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब उनका अभी भी थोड़ा सा उनको डाउट है। तो मैं दोस्तों फिर से लेके आ चुका हूं आपको, इस जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें आपको पूरा डाउट क्लियर कर देगा। मैं आपको एक से एक चीज आपको मैं बता दूंगा कि आपको इस प्रिंटर के अंदर क्या-क्या फीचर आपको देखने को मिलता है। अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप जाकर उसको देख सकते हो। और प्रिंटर काफी अच्छा बेस्ट है, आप उसे ले सकते हो। दोस्तों मैं कह रहा हूं, मैंने जो प्रिंटर लिया है ना शॉप के लिए लिया है, घर के लिए हिसाब से मैं प्रिंटर बिल्कुल भी मैंने लिया नहीं है। और घर के हिसाब से एक लिमिट होती है कि प्रिंटर आदमी यूज करेगा तो वो चीज को इतना पेपर यूज करेगा, ये चीज को यूज करेगा, उसे रिक्वायरमेंट इतनी होगी तो इतना यूज करेगा। लेकिन शॉप के हिसाब से जो प्रिंटर यूज होता है वो भाई साहब बहुत ज्यादा लिमिट के हिसाब से होता है, मतलब अलग अलग चीज पे एक्सपेरिमेंट से करने को देखने को मिलता रहता है कि कभी से मोटा पेपर यूज करना पड़ रहा है, डुप्लेक्स प्रिंटर यूज करना पड़ रहा है, ग्लोसी पेपर यूज करना पड़ रहा है, उसको स्टिकर पेपर यूज करना पड़ा, जो जिस हिसाब से कस्टमर आते हैं उनके हिसाब से उस प्रिंटर पे वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है और निकल कर देता रहता है, जिस वजह से उसका प्रिंटर दबा दबा निकल कर चलता रहता है। और मेरे जो प्रिंटर है मिक्सी मान के चलो 1-2 महीने के अंदर पूरी इंक जो बोतल होती है ब्लैक इंक पूरी खाली हो जाती है, क्योंकि प्रिंट मेरा बहुत ज्यादा निकलता रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस प्रिंटर की स्पीड की बात। स्पीड ठीक है, पर खाली ज्यादातर स्पीड जो निकाल के देता है वो आपका प्रिंटर में से आपका आप कुछ चीज को पेपर को प्रिंट करके निकालोगे उसमें तो आपको ठीक ठाक स्पीड देखने को मिल जाती है। एक पेपर आपको निकाल के देता है 6-7 सेकंड के अंदर, वो एक पेपर आपको निकाल के दे देगा। डिपेंड करता है आपको जो पेपर आप निकाल के दे रहे हो वो आपको उसके अंदर कैसा प्रिंट है, अगर उसमें फोटोज है या फिर आपको कुछ चीज उसमें आपको देखने को मिलता है, आपका वो स्पीड आपको जो निकलेगी ना वो आपको रिज्यूम जो आप जो कुछ भी निकालोगे या डॉक्यूमेंट्स निकालोगे उसके अंदर क्या क्या आपका छपा पड़ा है उसके हिसाब से स्पीड उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो स्कैनिंग वगैरह जो करता है निकाल के देता है प्रिंट छाप के, तभी इसको स्पीड डिपेंड करती है। अगर आपका पूरा दबा दब आपका पूरा पेज पे भरा पड़ा है, ज्यादा स्पेस नहीं है, तो मान के चलो 20-25 सेकंड एक पेपर में निकालने में ले लेगा। डिपेंड करता है आपका जो पेपर में कितनी चीजें छपी पड़ी उसके हिसाब से स्पीड होती है इसकी, और वैसे स्पीड नहीं थी। हाँ स्पीड हम कह सकते हैं लेजर प्रिंटर जो होता है लेजर प्रिंट उसकी स्पीड मैनुअल होती है, उसमें प्रिंट पूरी छाप के दे दो चाहे कम दे दो वो उनकी स्पीड एक ही रहेगी निकाल के देने की। लेकिन हाँ इंक टैंक जो प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि उसमें कितनी चीजें छपी पड़ी हैं, उसमें फोटोज हैं क्या है, उसको स्कैन करता है लोडिंग करता है समझ टाइम लगता है, उसके बाद छाप कर तब निकाल कर आपको देता है, उसे थोड़ा सा टाइम लगता है उसे हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रिंटर पे, मैंने कल 400 पेपर निकाले थे, एक मेरा कस्टमर आया था और एनजीओ का काम था उसका, वहां बोलते भाई ये पेपर है उसको मुझे फोटो कॉपी करके दे दो, तो एक पेज मैंने इसके अंदर लगाया और मैंने प्रिंट इसमें 100 प्रिंट आप दे सकते हो, मतलब 99 कॉपीज एक बार में दे सकते हो, बार बार क्यों नहीं, मैंने इसे 4 बार मैंने इसे थोड़ा सा मैंने बटन दबा के छोड़ दिया था और यार पूरे टाइम लगाया वो मुझे 1 घंटे में 400 कॉपी यानी निकाल को मेरे को दे दी। हाँ मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन इतना भी टाइम नहीं है, 400 कॉपी बहुत होती है जिसमें 1 घंटे में निकाल के दे दिया। अगर लेजर प्रिंटर होता तो वो और कम वक्त में इससे निकाल के दे देता, लेकिन फर्क ये लेजर प्रिंटर में वो बड़े महंगे प्रिंटर आते हैं जिसमें आपको स्कैनिंग भी चाहिए, कलर कॉपी भी चाहिए और आपको मतलब ऑल इन वन फीचर चाहिए, वाईफाई ब्लूटूथ मतलब सब कुछ आपको फीचर चाहिए होता है ना, वो प्रिंटर आपको कम से कम 60-70 हजार के महंगे प्रिंटर वो पड़ते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 25-20 हजार के रेंज में आपको ये प्रिंटर एप्सन L4260 जो प्रिंटर आपको मिलता है इसमें काफी ज्यादा फीचर इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं घर के हिसाब से ये प्रिंटर आपके लिए भी ठीक है, शॉप के हिसाब से भी प्रिंटर ठीक है। इससे पहले मैंने प्रिंटर यूज करा था कैनन का G3010, वो प्रिंटर काफी बेस्ट था, उसकी मैंने बहुत ज्यादा लिमिट इसको मैंने यूज करके बहुत ज्यादा मैंने इसको कट रहे थे पूरा खराब कर दिया था, बहुत ज्यादा मैंने यूज करा था। अब इसके बाद मैं ये लेके आया हूँ, ये भी प्रिंटर बहुत ज्यादा बेस्ट है और तब से मेरे प्रिंटर आपने देखो मेरी फर्स्ट वीडियो में जो छोड़ी थी यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हो, वैसे तब से लेकर अब तक मैंने इस प्रिंटर पर कितना ज्यादा यूज करा है, तब से लेकर मैंने अब तक इसमें मेरे प्रिंटर जब निकाल दिया कम से कम 8-10 हजार कॉपीज मैंने इस पर निकाल के मैंने खूब पेलम पाल मैंने कर दी है तब से लेकर अब तक।
अब बात करते हैं दोस्तों इस प्रिंटर के ऊपर क्या क्या फीचर में देखने को मिलते हैं। पहला फीचर, जी हाँ, इस पर ड्यूप्लेक्स प्रिंटर हो जाता है। अगर आप प्रिंट इसमें डालोगे, यहां से कमांड करोगे अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, सिस्टम से आप बनाकर डालोगे, उसमें सॉफ्टवेयर, उसमें ऑप्शन आता है ड्यूप्लेक्स प्रिंटर का। आप पीडीएफ में जाओगे, उसमें ऑफ सेटिंग में अंदर जाओगे, उसमें ऑप्शन आएंगे, आपको प्रिंट आगे पीछे पेपर के अंदर करना है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए, ओपन ऑटोमेटिकली पेपर आपको जाएगा, आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली यहीं से सेटिंग करोगे, ऑटोमेटिकली आपको पूरा काम हो जाएगा, प्रिंट आपका एक पहले आपका ऊपर का हो जाएगा प्रिंट, ऑटोमेटिकली अंदर पेपर खींचने के बाद ऊपर से फिर नीचे के नाक पर निकालकर आपको दे देगा। तो ये फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, ड्यूप्लेक्स प्रिंट इसमें हो जाता है इजीली। मैंने इसके अंदर निकाल रखे हैं स्टिकर पेपर होता है, जो डुअल साइड पेपर होता है, आपको वो दिखा देता हूं, वो पेपर भी मैंने कैसे निकाला था। तो दोस्तों ये रहे मेरे पास चार पेपर है, जो मैं अभी तक फिलहाल मेरे पास जो अवेलेबल है वो चार ही पेपर है, क्योंकि बाकी के पेपर भी मैंने जिसमें प्रिंट निकाल के देखे हैं वो मेरे पास खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा स्टिकर पेपर, आप देख रहे हो ना ये पेपर, ये पीछे छपा पड़ा है, इसी को कहते हैं मैं स्टिकर पेपर, मतलब हम निकाल के देते हैं आपको, दिखा देता हूँ मैं, ये मैं छुटाया, ओके थोड़ा सा, ओके आ गया आ गया। तो आप देख रहे हो ना ये दोस्तों, इसे कहते हैं मैं स्टिकर पेपर, ये रहा इसे स्टिकर पेपर भी मैंने इस पे निकाल के ना चेक कराया, पेपर काफी अच्छा ठीक है, इसे मैं यूज करते हैं, जैसे कि आप कोई भी किसी का स्टिकर निकाले, लोगो निकालना है या किसी का फोटो छापना है, या फिर आपको मान लो इसमें पासवर्ड साइज भी आप यूज कर सकते हो, फोटो निकाल के आपको बार बार चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे आप काट के दे दीजिए, चिपका के इजीली आप अपना काम चला लेगा। लेकिन ये पेपर भी मैंने निकाल दिया, पेपर भी ठीक है, ज्यादा मोटा पेपर भी नहीं है और ज्यादा पतला पेपर भी आपको देखने को नहीं मिलता है, स्टिकर पेपर भी मैंने इसके ऊपर निकाल दिया एप्सन एल वैली शार्ट के ऊपर। बात करते हैं हमारा दूसरा पेपर, दूसरा पेपर हम देखने को मिलता है, वो पेपर हमारा ये रहा ग्लोसी पेपर है, ये इस पेपर निकलता है, पासपोर्ट साइज फोटोज निकलते हैं आपको, जो बड़े फोटो होते हैं फोटोज होते हैं वो फोटो निकलते हैं, ये है हमारा मोटा पेपर ग्लोसी का। तो ठीक है, इस पेपर को मैंने इजीली इस पे निकाला है और अच्छा पेपर है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा पेपर हमारा, ये है प्लेन पेपर, वो भी मोटे में, मोटा पेपर आता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो पेपर निकलते हैं मोटे पेपर होते हैं, जो आपके एफिडेविट के होते हैं, जो मोटे मोटे पेपर होते हैं, जमीन के जो कागज वगैरह निकलते हैं वो पेपर अलग होता है, ये रहा ये पतला पेपर होता है, ये पेपर उससे भी ज्यादा मोटा है, इसके चार पेपर को मिलाकर ये एक अकेला पेपर बनता है, इतना मोटा ये अकेला पेपर होता है। अब आज आपको पता लग रहा होगा दोनों के पेपर में कितना ज्यादा फर्क है, आप देख लीजिए, ये हमारा पेपर एक और ये दो और ये तीन चार, चार पेपर मैंने फिलहाल तो अभी दबा दब इस पे खूब निकाल रहा हूँ, और बाकी के पेपर और भी थे मेरे, इससे भी थोड़े मोटे थे, वो पेपर मेरा खत्म हो चुका है, और उन पेपर को मैंने खूब निकाले थे, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से मैं निकाल कर देता था इस पे। तो ये दोस्तों ये था हमारा एप्सन एल वैली शार्ट के ऊपर जो प्रिंटर, इसमें क्या क्या फीचर में देखने को मिलते हैं, तो चीज प्रिंटर काफी ओके है, दुकान के हिसाब से आप लेना चाहते हो आप बिल्कुल ले सकते हो, मना बिल्कुल नहीं करूंगा, इसके सेटिंग फीचर वगैरह बहुत ज्यादा ईजी है, और जिन लोग अनाड़ी होंगे ना, अनाड़ी से भी बंदे एक बार उसे समझा दो इस चीज में क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, वो एक बार समझाने से प्रिंटर पूरा समझ जाएगा, दिक्कत की बात कुछ नहीं पड़ती है, कुछ भी इसमें सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, कुछ इंक छोड़ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, बस अंदर जाओ सेटिंग के अंदर एक बार कर दो, हेड क्लीन कर दो, ऑटोमेटिकली पूरा प्रिंटर आपको रीसेट हो जाएगा, दिक्कत खत्म, आप इजीली होकर आप पूरा मक्खन की तरह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये था हमारा एप्सन एल वैली शार्ट प्रिंटर कि बारी में आपको मैंने बता दिया इसमें कितने पेपर इसमें आप निकाल सकते हो, मोटे से मोटे पतला से पतला पेपर मैं निकाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ड्यूप्लेक्स प्रिंटर भी इसमें हो जाता है, वो भी आराम से निकल के चलता है मक्खन की तरह, कोई दिक्कत इसमें वो भी नहीं आती है। और बाकी से बात करते हैं सेटिंग वगैरह कहीं दिखने मिल जाती है, साइज को आप बड़ा कर सकते हो छोटा कर सकते हो वो भी ठीक है, फोटो कॉपी आप निकाल लो, डार्क कॉपी निकालना चाहते हो वो भी निकल जाती है, सॉफ्ट कॉपी निकालना चाहते हो वो भी निकल जाती है। तो फिलहाल तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, आमतौर पर जो भी लेटेस्ट प्रिंटर आ रहे हैं सबका जो फीचर चाहिए होता है वो सब इसमें दे रखा है भैया, मैं दिक्कत की बात नहीं, मेरे को तो इजीली चल रहा है, और मक्खन तरह मैं यूज कर रहा हूँ, शॉप के हिसाब से बेस्ट है, और घर के हिसाब से लेना चाहते हो वो भी बेस्ट है भैया। तो ये था हमारा एप्सन एल वैली शार्ट प्रिंटर के ऊपर पूरी जानकारी, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप इसी तरह मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से मेरे चैनल पे 1K हो यार सब्सक्राइब जल्दी से करवा दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गाइस जय हिंद जय भारत।